गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत आपका मेरे चैनल में स्वागत है, लाइफस्टाइल विद विद्यास फैमिली। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा वीडियो है कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने पैसों को बचाती हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो मुझे लगता है कि मैं बचा लेती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी बहुत मंथली अपनी कुछ चीज़ें हैं जो पूरा करना चाहती हूँ उससे करती रहती हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं खुद अपने लाइफ में उसको अपनाती हूँ। तो मैं वो ट्रिक्स बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको भी शायद वो काम आए, आप नेक्स्ट टाइम कभी इसको ट्राई करके देखिएगा। तो सब स्टार्ट करते हैं। कुछ दो तीन ट्रिक्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी। पहला ट्रिक, अक्सर हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दीबाजी में हम मार्केट निकल जाते हैं, तो कभी कभी हम मोबाइल लेके लेना भूल जाते हैं, कभी हम पैसे लेना भूल जाते हैं, कभी हम पर्स लेना भूल जाते हैं। तो मैं उसके लिए एक हमेशा एक प्रिपरेशन करके रखती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। ये मोबाइल है, ठीक है। आजकल अक्सर लोग मोबाइल के पीछे कवर लगाते हैं, ये एक ख़राब मोबाइल है, मैं इस पर आपको बता रही हूँ। इसका ये कवर है, मतलब ये इसका कवर नहीं है, ये मेरे मोबाइल का कवर है, मैं इस पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये मैं अपने मोबाइल के पीछे कवर लगाती हूँ, तो अब मैं बताऊँगी कि क्या करती हूँ। मैं उस कवर के, मोबाइल और कवर के बीच में मैं एक चीज़ रखती हूँ, वो है ये, देखिए पैसा। मैं हमेशा इस कवर और मोबाइल के बीच में ऐसे पैसा रखी रहती हूँ, 100-200, अक्सर 100-200, ज़्यादा नहीं रखती। कि अगर मैं अचानक रैंडम में बाहर निकल जाती हूँ, पर्स ले जाना भूल जाती हूँ या कुछ, लेकिन आजकल क्या है, हम मोबाइल लेना नहीं भूलते, तो ये मोबाइल मेरे साथ होता है। अगर मैं पर्स भी लेना भूल जाती हूँ तो ये पैसे मेरे साथ रहते हैं, इस तरह मुझे अचानक से कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं ये इसको यूज़ कर सकती हूँ। एक ट्रिक तो मैं ये यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे कुछ पैसे भी बच जाते हैं और अचानक से कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें ये काम भी आ जाता है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगी जो मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ, वो है कि हम कैसे पैसे को बचा सकते हैं। अक्सर लेडीज़ के पास बहुत सारे पर्स होते हैं, हैंड पर्स, पार्टी वियर पर्स, और आप ऐसे नॉर्मल मार्केट के लिए यूज़ करते हो वैसे पर्स। तो मैं उसका कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास सपोज़ ये एक पर्स है, हैंड पर्स है, ये भी एक पर्स है, ठीक है, और पार्टी वेयर भी पर्स है, बहुत सारे पर्स है। मैं सारे पर्स नहीं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ पर्स जो मेरे हैं वो दिखा रही हूँ, ये हैं और भी कई हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने सभी पर्स में मैं कुछ ना कुछ पैसे रखी रहती हूँ। ये इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से कोई भी पर्स लेके निकल जाते हैं कभी, और इस तो ये होता है कि हम सपोज़ दैट उस जल्दी में हमने नहीं रखा, अक्सर तो हम चेक करते हैं, लेकिन अगर नहीं हमारे पास समय है, लेकिन तो हमें ये तो पता है कि हमारे पर्स में पैसे हैं, तो हम इसे लेके इमरजेंसी में कहीं भी कुछ भी तुरंत निकल सकते हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हर पर्स में आपके बहुत सारे पैसे हो, कुछ ना कुछ पैसे आप रखें। सपोज़ मैंने इसमें ये थोड़े से पैसे रखे हैं, ठीक, इसको कुछ चेंज रख लेती हूँ इस चेन वाले में, इसमें कुछ पैसे रखे हैं, कभी अचानक से इसको लेके निकल गई, कुछ चेंज इसमें रखे हुए हैं, और जैसे कि ये बड़ा पर्स है, मैं इसको आपको दिखाना चाहती हूँ मैं क्या करती हूँ। सपोज ये चेन है, चेन, इस चेन में मैं ये जो चेन है इसमें कुछ ना कुछ मैं पैसे रख देती हूँ, जैसे इसके अंदर ऐसे छोटे पर्स होते, तो इस छोटे पर्स में भी मैं कुछ ना कुछ रखी रहती हूँ। देखिए ये मैंने आपसे ये रखा हुआ है, तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ हर पर्स में रखी रहती हूँ। इससे क्या होता है, आपके पैसे भी बचते हैं, कभी कभी आपको अचानक से सरप्राइज, जब आप पर्स खोलते हो देखते, अरे
आप भूल भी जाते हो कई बार कि आपने पर्स में कुछ रखा था और अचानक से आपको सरप्राइज मिलता है कि अरे मैंने तो उस पर्स में पैसे रखे थे, और इसी तरह से आपके कुछ पैसे भी बच जाते हैं और अचानक से आप कोई पर्स उठा के ले जाते हो तो आप उस सिचुएशन से बच जाते हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं या कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती। तो ये मेरा दूसरा ट्रिक था जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं अपने कुछ ना कुछ पैसे सेविंग भी करती रहती हूँ। और एक ट्रिक, ये तो ट्रिक हुए, और एक टिप, इसे टिप्स कहेंगे, मैं बच्चों का गुल्लक बना के रखती हूँ। तो मेरी बेटी का गुल्लक है और उसे जो भी जैसा होते हैं बच्चे से कोई मिलने आया, कभी कोई बड़ा आया, कोई बाहर का आया, वो कभी बच्चों को पैसे दे देते हैं, मिठाई खा लो बेटा, टॉफ़ी खा लो, कुछ भी खाने के लिए पैसे दे देते हैं, तो वो सारे पैसे मैं इस गुल्लक में रखती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखती। इस तरह ये बच्चों की अलग से सेविंग हो जाती है और मैं कुछ ना कुछ इसमें डालती रहती हूँ जिससे कि वो बच्चों की भी सेविंग अलग से होती रहे। ये एक तीसरा ट्रिक था। इस तरह बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे मैं हम अपने मनी की सेविंग कर सकते हैं, थोड़ी ये इससे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर सकते हैं। और हम लेडीज़ को थोड़ी थोड़ी मनी की सेविंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो घर की चीज़ें हैं हम वो इससे आराम से खरीद सकते हैं, हमारी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। इस तरह मैंने आपको ये कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताएं और आगे भी मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। आशा है आप सब लोग को ये ट्रिक और टिप्स पसंद आए होंगे। आप भी एक बार ज़रूर इसको फॉलो करके देखिएगा। और भी मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं मनी को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं, वो मैं अपने आगे के वीडियोस में और आपको बताऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक्स टिप्स अच्छी लगी हो, तो इसे फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।